एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना का सच समाप्त होने का समय था रात के बारह बज चुके थे सभी लोग सो रहे थे लेकिन एक घड़ी ने दिखाई कि जो दिखती थी जैसे कोई उसे बेहद खासी चीज़ के लिए ढूंढ रहा हो वो घड़ी एक खिड़की के पास रखी थी जिसका खिड़की के बाहर की तरफ व्यक्ति का कोई पार्थिव आकार दिखाई नहीं दे रहा था वहां एक अजनबी आकर्षक सीधे रास्ते से गुज़र रहा था जो घड़ी की दिशा में जा रहा था वह घड़ी की खिड़की के पास पहुंचते ही वह थम जाता है क्या उसने कुछ देख लिया उसका धड़कने लगता है धीरे धीरे वह घड़ी की खिड़की के पास से निकलता है और फिर वह घड़ी की दिशा में दौड़ने लगता है फिर से एक रहस्यमय हवा उसके चेहरे को स्पर्श करती है और वह उसी स्थिति में थम जाता है क्या घड़ी का राज उसे मिलेगा या कुछ और बदलेगा सभी सवालों के उत्तर के लिए अगले सवेरे का इंतज़ार करें